दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अलकायदा ने कश्मीर में भारत सरकार की सफलता को स्वीकार कर लिया है। अपनी आधिकारिक मैगजीन में अलकायदा ने कहा है कि भारत सरकार कश्मीर में सफल साबित हुई है। कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में आई कमी पर अलकायदा की मैगजीन ने पाकिस्तान पर जमकर भड़ास निकाली है। जो बयान दिया अलकायदा ने, ये फ्रस्ट्रेशन का इजहार करती है इस बात पे, दहशत फैला दी तुमने, एक छोटा सा पाकिस्तान बना। एक तरफ तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP पाकिस्तान की बैंड बजा रहा है, दूसरी तरफ अब अलकायदा भी पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर सामने आया है और भारत का नाम लेकर उसने कहा है कि पाकिस्तानी फौज की हिम्मत नहीं कि वह भारतीय सेना के सामने टिक पाए। कश्मीर पॉलिसी पर भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए अलकायदा ने कहा है कि पाकिस्तान अब कश्मीर को भूल जाए। आगे की चर्चा सुनते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अलकायदा ने कश्मीर में भारत सरकार की सफलता को स्वीकार कर लिया है। अपनी आधिकारिक मैगजीन में अलकायदा ने कहा है कि भारत सरकार कश्मीर में सफल साबित हुई है। कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में आई कमी पर अलकायदा की मैगजीन ने पाकिस्तान पर जमकर भड़ास निकाली है। मैगजीन में 1999 कारगिल युद्ध में भारत से हारने के लिए पाकिस्तानी सेना का मजाक भी उड़ाया गया है। अलकायदा भारतीय सेना की ताकत को देखकर इतना घबरा गया है कि उसने पाकिस्तानी मुसलमानों से एकजुट होकर कश्मीर में दोबारा आतंकवाद फैलाने की अपील की है। आपको बता दें कि भारत सरकार को यह सफलता अचानक नहीं मिली है, इसके लिए भारत सरकार ने 3 जगहों से मोर्चा संभाला था। सबसे पहले भारत सरकार ने एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया था। इसके बाद सेना और कूटनीति ने बाकी काम संभाला। कश्मीर से धारा 370 हटते ही भारतीय सेना ने आतंकी नेटवर्क पर जबरदस्त वार किया। पाकिस्तानी आतंकी और कश्मीर में पनपे आतंकियों को चुन चुन कर मारा गया। जो बयान दिया अलकायदा ने, ये फ्रस्ट्रेशन का इजहार करती है इस बात पे कि इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसने इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल को सिक्योर कर लिया है। आज ही जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल DK बोरा जी का बयान छपा है, उन्होंने कहा है कि जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर इज कंप्लीटली सिक्योर्ड और जितने भी पाकिस्तान से ड्रोन आते थे और असला फेंकते थे या हेरोइन फेंकते थे या पैसे फेंकते थे वो अब तकरीबन जीरो हो चुका है, क्योंकि काउंटर हमारा जो इंटेलिजेंस है वो बहुत तेज है। अच्छा, इसका दूसरा पहलू ये है कि कश्मीर के लोगों ने 370 और 35 से धारा के हटने के बाद जो डेवलपमेंट देखी है, जो आजादी देखी है, दहशत फैला दी तुमने, एक छोटा सा पाकिस्तान बना, इसको भूल जाए। ये ना अपनी मादरी जबान जानते हैं, ना माँ बोली जानते हैं, ना कल्चर जानते हैं, ना रावी दरिया जानते हैं, ना दरिया इंडस जानते हैं, ये कुछ नहीं। ये सेकंड ग्रेड फ्री मार्केट के अरब और तुर्क अपने आप को समझते हैं। ये नहीं होता जो टूटा और चटके अंडे जहां बिकते हैं, ये सब ये उसमें अपने आप को कैटेगराइज करते हैं कि अल्लाह में जगह दे दो यार, प्लीज हम आपकी खिदमत कर लें, कुछ 2-4 अरब दे दो, उनके पांव दबा दे। इनमें गैरत नहीं है, इनके अंदर धारा 370 हटने के बाद आतंकी संगठन कोई भी बड़ा आतंकी हमला करने में नाकाम साबित हुए। भारतीय सेना ने घाटी में दर्जनों अलकायदा के आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर में सैन्य कार्रवाई के साथ साथ भारत ने कूटनीति का भी जबरदस्त इस्तेमाल किया। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पाकिस्तान को एक्सपोज किया गया। दुनिया में पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडे की धज्जियां उड़ा दी गईं। कई मुस्लिम देश जो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करते थे, उन्होंने भी अब इस मुद्दे से दूरी बना ली है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण संयुक्त अरब अमीरात है। जिन देशों ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया, भारत ने उनको भी जमकर धोया। आज तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देकर पछता रहा है। आतंकवादी हथियार डाल चुके हैं, पत्थरबाज भी खत्म हो चुके हैं। कश्मीर में अब सिर्फ विकास की बात हो रही है। टेररिज्म खत्म हो गया है और टूरिज्म बढ़ गया है। रिस्पेक्ट नहीं है और ये किसी के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि इट हैज बिकम अ कंट्री दैट इज डोमिनेटेड बाय पंजाब और बाकी लोग सारे इनके जुल्म से आजादी मांग रहे हैं। जी सिंध महाज है, बलूचिस्तान में आजादी की जंग चल रही है,
पख्तून लड़ रहे हैं, ये सिवाय वो पाकिस्तानी पंजाब जहां उर्दू बुरी तरह से बोली जाती है ये उसका कंट्रोल है, वहीं से जनरल निकलते हैं, वहीं से बाजवा आते हैं। अब बताइए जो नया कमांडर इन चीफ था वो सातवीं जमात तक स्कूल ही नहीं गया, जो नया पाकिस्तान का वो जिन वाकई जिन भूत भूत में काम करता है आप उसको हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। इमरान खान की बीवी को वो तो जिनों में करते हैं, जादूगरी कर रहे हैं, इस दौर में जादू से इंडिया पे अटैक कर रहे हैं, ये घास खा गए हैं। प्लीज डोंट काउंट देम एज रैशनल पीपल। पाकिस्तान को उसकी करने की सजा मिलने लगी है। पाकिस्तान ने पहले आतंकियों को पाला पोसा बड़ा किया और उन्हें खासकर भारत में निर्यात करने की कोशिश की। भारत के जम्मू कश्मीर में उन्होंने पाकिस्तान के कुछ जनरल और आईएसआई के लोगों ने भारत में भेजकर भारत को ही डिस्टर्ब करने और भारत के खिलाफ मनसूबाबंदी करने की जो योजना बनाई थी, भारत तो उसे सफल होने नहीं दिया, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जब से भारत ने विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर का समाप्त किया है और केंद्र सरकार के अधीन वह जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका आ गया है, तब से वहां पर आतंकवाद में कमी आई है और इस साल तो रिकॉर्ड पर्यटन भी पर्यटक करने वाले लोग भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान को यह अब सुहाता नहीं है, वह चाहता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलता फूलता रहे, जम्मू कश्मीर अशांत रहे, ताकि पाकिस्तान की रोजी रोटी चलती रहे। पाकिस्तान भारत से जंग में तो जीत नहीं पाया, कम से कम आतंकवाद फैलाकर ही जीत जाने की अपनी मंशा को पूरा करना चाहता है, लेकिन उसका वह मंशा भी पूरा नहीं होता दिख रहा। दूसरी तरफ अब आतंकवादी ही जिन्हें पाकिस्तान पाल पोस कर बड़ा किया था वे ही धमकी देना शुरू कर दिए हैं। तालिबान के एक गुट तहरीके तालिबान तो पाकिस्तान का जीना हराम कर ही दिया है, अब एक अंतर्राष्ट्रीय सरगना आतंकवादी गुट अलकायदा भी पाकिस्तान को सरेआम धमकी दे रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तानी सेना केवल अपने घर में ही बब्बर शेर है, निर्दोष लोगों को मारने में ही महारत हासिल की है, भारतीय सेना के साथ तो मुकाबला कर ही नहीं सकती, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान भूल जाए, कारगिल में क्या हुआ था, 65 में क्या हुआ था यह सर्वविदित है, और 1971 में तो पोल ही खुल गया जब पाकिस्तान की उतनी बड़ी सेना 96 लाख फोर्स भारतीय सैनिकों के सामने संडर किए थे। इसलिए अब वह जब अलकायदा और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी सेना नहीं लड़ सकती तो भारत के साथ लड़ने का पाकिस्तानी सेना दीवा स्वप्न देख रही है। पाकिस्तान को लताड़ लगाने से पाकिस्तान में हलचल और हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि न केवल जो तालिबानी है वे पाकिस्तान का एक राज्य खैबर पख्तूनख्वा को अपना मानते हैं, जैसे भारत जो पाकिस्तान के पास पीओके और गिलगित बल्तिस्तान है उसे अपना मानता है, उसी तरह तालिबानी भी पाकिस्तान के एक राज्य को अपना मानते हैं। दूसरा, बलूचिस्तानी तो कहते ही नहीं है कि वे पाकिस्तान के अंग कभी रहे हैं, और ये सही भी है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश था, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद पाकिस्तान ने जबरदस्ती बलूचिस्तान को अपने में शामिल कर लिया। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को भी अपने में शामिल करना चाहता था, लेकिन जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा ने भारत के साथ विलय कर लिया तो पाकिस्तान का वह मंसूबा पूरा नहीं हो पाया। यही कारण है कि पाकिस्तान अब जो चार प्रांत हैं पाकिस्तान के, उसमें से दो प्रांत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से आज नहीं तो कल तो चले ही जाएंगे। जिस तरह बांग्लादेश गया था उसी तरह फिर पाकिस्तान आधा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।